क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इन परसेंटेज. रेशियो दिए उसको क्या करना है हम लोगों को, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट रेशियो इज 37:500. 37:500 कैसे क्या देखो, 37:500 इक्वल टू 37/500. अब देखो 500 को 100 में कन्वर्ट करना है, 500 को 100 में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 5 से डिवाइड. तो अगर 500 में डिवाइड किया 5 से तो 37 में भी करना पड़ेगा. ओके तो 37/5 किया तो आंसर क्या है 7.4, और 500/5 किया तो आंसर क्या आया 100. देखो 37 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 7.4, और 500 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 100. तो 7.4/100 मीन्स 7.4%. समझ में ना. ओके उसके बाद 5/8 इक्वल टू 5/8 × 100. हम लोग जो परसेंटेज निकालने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी टोटल है उसमें से जितने मिले उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ 5 × 100 500/8. जब 500 को 8 से डिवाइड करते तो आंसर विल बी 62.5. क्या आंसर रहेगा 62.5. मतलब 5 out of 8, अगर तुम लोग को 8 में से 5 मार्क्स मिले तो कितने मिले 62.5. नाउ 22/30 इज इक्वल टू 22/30 × 100 या फिर 100 से, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके 22/100 × 100/30 00 कैंसल. 7 से इसको डिवाइड किया 220 को, क्या किया यहाँ पे, सॉरी 3 से यहाँ पे डिवाइड किया तो आंसर आया 73.33. देखो 3 7 21, एक बचेगा यहाँ पे. ओके अगेन 3 3 9, फिर एक बचा 3 3 9, वापस एक बचा 3 3 9, वापस एक बचा 3 3 9, तो आंसर क्या आया 73.33. आया समझ में. 5/16 इज इक्वल टू 5/16 × 100. 16 1 16, 16 से 100 को डिवाइड किया तो आंसर आया 6.25. देखो 16 6 96, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो उसके ऊपर 0 ले तो हुआ 40. 16 2 32, फिर 40 में से 32 गए तो कितने बचेंगे 8, वापस 0 लिया तो हुआ 80. 16 5 80, तो आंसर है 6.25. फिर 6.25 से 5 को मल्टीप्लाई किया, क्या किया 6.25 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 31.5. मतलब 5/16 या फिर 5 out of 16 मीन्स 31.5%. ओके 5/16 मतलब 31.5%. नाउ 144/1200. 144/200 इज इक्वल टू 144/200 × 100. 00 कैंसल. 144/12 12 का स्क्वायर क्या है 144, तो आंसर क्या है 12%. मतलब 144/1200 इज इक्वल टू 12%. समझ में आया. ओके राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी इन रिड्यूस फॉर्म. फर्स्ट क्वांटिटी का सेकेंड क्वांटिटी से क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट इज 1024 MB एंड 1.2 GB. एक MB में और एक GB में. ओके MB बड़ा होता है कि GB बड़ा होता है, GB बड़ा होता है, MB क्या होता है छोटा होता है, राइट. सो 1024 MB मीन्स 1 GB, राइट. मोबाइल यूज़ करते हो ना तुम लोग को पता होगा. ओके 1024 MB मीन्स 1 GB. सो रेशियो 1 GB टू 1.2 GB. ओके दिया है वहाँ पे 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB. तो 1 GB upon 1.2 GB, सो 1/1.2 इज इक्वल टू 1 × 10/1.2 × 10, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया. सो 10/12, 2 5 2 6, क्या आंसर आया 5/6, दैट इज 5:6. क्या आंसर आता है 5:6.
नेक्स्ट 17 रुपीस एंड 20 रुपीस 25 रुपीस 60 पैसे। देखो यहाँ पे 17 रुपीस है और यहाँ पे 25 रुपीस 60 पैसे भी है। अगर ये खाली रुपीस होते तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे या फिर खाली पैसे होते तो डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन रुपीस और पैसे दोनों में उसको क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट क्या है पैसे और रुपये में, पैसे तो पैसों में कन्वर्ट करो। रुपीज़ 70 इक्वल टू 17 इंटू 100 इज इक्वल टू 1700 पैसे, बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 17 के कितने हो गए 1700। रुपीज़ 25 एंड 60 पैसे इक्वल टू 25 इंटू 100 प्लस 60 दैट इज 2560 पैसे, कितने हो गए 2560 पैसे। रेशियो ऑफ 1700 पैसे टू 2560 पैसे 1700 डिवाइड बाई 2560 0 कैंसिल, क्या बचा 170 डिवाइड बाई 256। जब डिवाइड करते तो सबसे हम लोग लोएस्ट में जाएंगे तो 85 इंटू 2 120 इंटू 2 क्या आंसर आया 85 इंटू 2 128 इंटू 2 22 कैंसिल अगेन 85 एंड 128। अब 85 और 128 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, 85 और 128 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, तो लोवेस्ट रिड्यूस फॉर्म इसका क्या होगा 85 रेशियो 128। क्लियर? नाउ 5 डजन एंड 120 यूनिट्स, क्या दिया है 5 डजन एंड 120 यूनिट्स। 1 डजन इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, एक डजन में कितने यूनिट होते हैं 12, वेरी गुड। 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, तो 5 डजन के कैसे फाइंड करोगे 5 इंटू 12, वेरी गुड, 5 इंटू 12 60 यूनिट्स, कितने यूनिट्स आ गए 60 यूनिट्स। सो रेशियो ऑफ 60 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स, क्या रेशियो है 60 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स, तो 60 अपॉन 120 जीरो जीरो कैंसल, 6 वन जा 6 टू जा, सो व्हाट इज आंसर 1 अपॉन 2, तो रेशियो क्या आया 1:2। ईजी है एक्सरसाइज में, ऐसे उन्होंने किया है। सी नाउ नेक्स्ट सम इज 4 स्क्वायर मीटर एंड 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या दिया है 4 स्क्वायर मीटर दिया है और 800 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 स्क्वायर मीटर, याद रखना। सो 4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर मीटर, मतलब वही हुआ मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 100 का भी स्क्वायर किया तो कितना हुआ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 4 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशियो ऑफ 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 800 स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 0 कैंसल, 8 1 8 8 5 40 1 बचा, तो आंसर आया 50/1, क्या आंसर आता है 50/1 दैट इज 50:1, क्या हुआ फाइनल आंसर 50:1। नेक्स्ट 1.5 केजी एंड 2500 ग्राम, 1.5 केजी एंड 2500 ग्राम, छोटे क्या होते हैं ग्राम की केजी, ग्राम छोटे होते हैं इसलिए केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देयरफॉर 1.5 केजी मतलब 1000 प्लस 500 ग्राम, 1000 प्लस 500 टोटल कितने हो गए 1500 ग्राम, 1.5 केजी मींस 1500 ग्राम। सो रेशियो ऑफ 1500 टू 2500, 1500 टू 2500 इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 2500, 0 0 कट, ओके 5 3 15 5 5 25, आंसर इज 3/5, क्या आंसर आया 3/5, सो रेशियो क्या आएगा 3:5, रेशियो 3:5। अंडरस्टूड एवरीवन, राइट डाउन फास्ट।